की लैंडिंग के बाद पीएम मोदी को ग्रीस में ऐसा स्वागत हुआ कि पूरी दुनिया की टांगे कांप उठी। ग्रीस पहुंच चुके, ग्रीस वो वाक्य बनाया हुआ भाई साहब। अभी तो वो साउथ अफ्रीका में, और भाई साहब कहा जा रहा है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इनका बहुत ही बड़ा वीआईपी इस्तकबाल हुआ है। अभी वॉच करते हैं आखिर किस तरह का वेलकम भाई हुआ ग्रीस के अंदर। तो कौन करते स्टार्ट? ओ मून मून मून, ओ ये चंद्रयान 3, ओ भाई साहब लोग लेके लाए हुए। ओ यार ये क्या बात है, वो ग्रीस में हो यार। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी आज ग्रीस पहुंच गए हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी ने अपने एक दिन के दौरे के दौरान आज कदम रखा। और आप तस्वीरें देखिए कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के विशेष नियुक्ति पर पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेत्रिटिस ने एथेंस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए और पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, गर्म जोशी के साथ उनसे मिले। झंडा भी है इंडिया का, वो घास भी मिला रहे। चंद्रयान 3 देखो ना, मोदी जी का लिखा हुआ है ना, सिख आए हुए हैं, सारे आए हुए, मुसलमान आए हुए, हिंदू आए, सारे, कोई बंदा नहीं रहा। मोदी जी ने उनकी छाती आज घर से धोके रख दी है। वजह छाती ऐसी चौड़ी करके इंडियन चल सकते हैं कि दुनिया को बता सकते हैं कि हम इंडियन। ये भाई साहब हमारा चंद्रयान भी लैंड कर गया और दुनिया के हम पहले देश बन गए हैं। वो देखो वो पीछे, वो देख मोदी का हार पहना रहे वो। ये तो कोई ग्रीस है। लोग भी दीवाने हुए हैं, मोदी जी के भी हाथ मुंह ला रहे हैं यार भाई। ये प्राउड मोमेंट हर बार की थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद वैसे तो पीएम मोदी एथेंस की होटल ग्रांडे ब्रेटन में रुके हैं। भारतीय पीएम जब होटल पहुंचे तो प्रवासी भारतीयों की वहां भीड़ लग गई। हजारों तो भी पहुंच गए लोग। होटल एयरपोर्ट अलग, होटल अलग, क्या बना हुआ है यार। ये देख रहे हैं, ये झंडे सर पे पहनाया है यार, कोई फूल है। बच्ची ने कुछ दिया है, मोदी जी की तस्वीर दी है, चंद्रयान बना हुआ है। इसके साथ ही आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए जब पीएम मोदी ग्रीस दौरे के लिए रवाना हो रहे थे। उस दौरान वो एयरपोर्ट पर भारतीयों से मिले। भारतीयों की इस भीड़ में पीएम मोदी को कुछ बच्चे नजर आए तो पीएम मोदी ने किस तरह से उनसे बातचीत की, उन्हें दुलारा, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्यार हर बच्चे की ख्वाहिश की मैं आती हूँ। ये दिल्ली का भाई एक ऐसा लीडर है जिसके बारे में कुछ नहीं कौन जाता है बच्चों के पास। आज भारत की प्राउड दिला दिए इस मोदी जी बिल्कुल। चंद्रयान 3 जैसा सफलता देख डाली तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। देख यार बहुत गजब का मोदी जी का वीआईपी वेलकम हुआ है, बहुत गजब का हुआ है यार।
लोग बैनर्स बड़े बड़े बना के लाए हुए चंद्रयान 3 के साथ मोदी जी की तस्वीर। साथ मोदी जी, यार यही मोदी जी है जिसने आज हर भारतीय को गर्व से भाई खड़ा कर दिया है। आज हर भारतीय इस दुनिया के अंदर छाती ठोक के जा रहा है, छाती खोल के जा रहा है। और जो भी अंग्रेज हो यार, उसको बताओ कि भूत नहीं गया, जिधर तुम लोग भी ना जा सके उधर हम गए, हम वहां पर पहुंच गए। और अब वहां पर जो हम करने वाले हैं ना, वो तुम्हारे दादों ने भी नहीं किया होगा। ये सही बोला। और वही सब वाक्य में इज्जत बना ली आज भारत ने, आज भारत की इज्जत बजा। पहले भी रेस्पेक्ट थी, अब और बढ़ गई। वो आप पीछे कुछ भी नहीं है ना, आप तो हाथ से पार हो गए। आप तो कुछ बच्चे नहीं, जो चीजें हमने देखी, बच्चे बच्चों ने पोस्टर लिए हुए चंद्रयान 3 और मोदी जी के। पूरे ग्रीस में जब अंग्रेजों को पता लग रहा होगा कि भाई साहब ये भारतीय हैं, इनका चंद्रयान 3 वहां पर लैंड किया है जहां पर भाई साहब कोई उतरा ही नहीं है, तो उनकी क्या फीलिंग होगी। इंडिया उतर गया ना, जब एक इंडियंस को आके ग्रीस का या कोई दुनिया का अंग्रेज भी आके बोलेगा यार तुम लोग तो भाई चांद कैसी जगह पर, मैंने सुना है तुम लोग चांद कैसे जगह पर उतरे जहां कोई नहीं उतरा, तो वहां पर हर भारतीय का क्या प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, अपना सीना ठोक के बोलेगा कि हम उतरे, हम उतरे हैं, हम वहां पर मिशन कर रहे हैं। देखो हम क्या क्या वहां पर बजा दे। रिपोर्ट पे इस्तकबाल कैसा हुआ है, जबरदस्त हुआ मेरे भाई। ग्रीस के सदर खुद आए रिसीव करने, कारपेट बिछाई हुई थी वो, और सलूट फौजी रखा हुआ था। और भाई इतनी रेस्पेक्ट थी, होटल पे भी लोग पहुंचे, हजारों लोग कतारे जो होटल है उनका ना मोदी जी उधर भी पहुंच गए, छोटे छोटे बच्चों से भी मिले। ये देख बाबा, देखो मोदी जी की पावर कितनी बढ़ चुकी है कि भाई ग्रीस खुद मोदी जी को कह रहा है आए हमारे देश में। ये देख यार, हमें तो खुद दावत दे रहा है, हमें तो कोई दावत नहीं देता। हमें तो जो दावत देगा वो जो पहले तो $1-2 billion तैयार रखे, क्योंकि हमने उसकी भीख पक्की उनसे मांगनी है, तब भी दावत ही नहीं देते। हमें तो दावत ही कोई नहीं देता, हम खुद जबरदस्ती निकल जाते कि हम आओ, कहते ना हो, कहते नहीं हम जाएंगे, आपके पास आना चाहते, हमारा जरूरी काम है आपसे। वहां पर जाकर ये होता है, और वहां पर ये इनकी इज्जत देखो, देखना रेस्पेक्ट। ऐसा ओपला मंत्री यार, ऐसा वजीर भाई, इस प्रधानमंत्री ने भी तो भारत को ऊंचाइयों पे ले गया ना, मैं इसको इज्जत नहीं मिलनी तो क्या मिले। आज लोग सीने ठोक के बोल सकते हैं कि हम इंडियन। आज जो भारत में रहने वाले जो भारत के विरोधी होंगे ना, वो भी भाई साहब बोल रहे होंगे यार, जो मोदी जी के विरोधी होंगे बोलते होंगे यार इस बंदे ने आज हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, आज वो भी मोदी जी के दीवाने हो गए। मैं तो बोलता हूँ, लोग पहले भी मोदी जी की रेस्पेक्ट बड़ी बहुत थी, विरोधी हर जगह होते हैं, लेकिन आज वो विरोधी भी मोदी जी के दीवाने हो गए। क्यों? क्योंकि आज वो भी भारतीय है ना, मोदी जी को नहीं पसंद करते उनका अपना है, लेकिन आज इसी मोदी जी की वजह से भारत चांद पर पहुंचा, उनके दिल के अंदर से आवाज निकलेगी यार इस बंदे की वजह से हम चांद पर पहुंचे, तो भाई इस बंदे के लिए नफरत कैसी। मुंह बंद हो गए। तुम्हारी बात भी इनकी आवाज निकलेगी भाई ये बंदा ग्रेट है। होते हैं ना हेटर्स भी तो होते हैं, लेकिन आज मोदी जी ने ऐसे काम किए कि हेटर भी मोदी जी के फैन बन गए। 9 सालों में देख ना इंडिया को किधर खड़ा कर दिया, वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया, और चांद पे खड़ा, चांद पे खड़ा कर दिया, डार्क साइड पर जिधर दुनिया का बंदा कोई पहुंचा ही नहीं, वहां पर अमेरिका जाए, नासा जाए, जिसके पास अरबों डॉलर लगा के जा सका, वहां पर मोदी जी ने 600 करोड़ में बचाया, 600 करोड़ में बचाया, कितने सस्ते में बचाया। फिर 9 सालों में इंडिया की तकदीर चेंज करने वाले बंदे, तो ये इस बंदे को इससे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए, और जितनी मिले उतनी कम है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इनके इस वेलकम पर, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।